The closed loop PQRS is moved into the uniform magnetic field at right angles to the plane of the paper as shown in figure. Predict the direction of induced current. देखिए ये कॉइल जो है ये अभी लो मैग्नेटिक फ्लक्स रीजन में और धीरे धीरे हाई मैग्नेटिक फ्लक्स रीजन में जा रही है, और एक तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है उस कॉइल के थ्रू गुजरने वाला। देखो अभी सिर्फ एक 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 कट्टस है, अंदर जाएगी दो तीन कट्टस आ जाएंगे, नहीं कि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। तो डायरेक्शन कहाँ है? अंदर की तरफ इंक्रीज हो रहा है। अंदर की तरफ इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेगा? लेंजेस लॉ अंदर की तरफ इंक्रीज होने से रोकेगा। बर्बरी क्या करेगा? अंदर के इंक्रीमेंट को रोकेगा। कैसे? बाहर फ्लक्स पैदा करने लग जाएगा ताकि दोनों जुड़ के एक दूसरे को कैंसिल करने लग जाएं। तो बाहर फ्लक्स के लिए करंट कैसा होता है? बाहर मतलब एंटी क्लॉकवाइज। आंसर आ गया, लिखते हैं पी क्यू आर एस कॉइल मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो फ्लक्स टू हाई फ्लक्स, हाई फ्लक्स डायरेक्टेड इनवर्ड। Hence, current induced must be anti-clockwise to resist the increase of flux inward. अंदर जो flux बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए कैसे करेगी? By inducing a flux आउटवर्ड। अब एंटी क्लॉकवाइज करंट की मदद से इंड्यूस फ्लक्स आउटवर्ड ही तो होगा, वही लिख रहा है बाय इंड्यूसिंग अ फ्लक्स आउटवर्ड। तो कैसा करंट होगा दिखा देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से करंट इंड्यूस होगा इसमें, ठीक है। और आप चाहें तो आप इसमें लेफ्ट हैंड थंब रूल भी लगा सकते हैं, लगा के देख लीजिए आपका फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है और अंदर की तरफ है। ये देखो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, मेरे कर्ल ऑफ फिंगर्स उल्टे हैं एंटी क्लॉकवाइज, फ्लक्स अंदर है इसलिए मैंने अंगूठा अंदर डाला हुआ है। तो बहुत सिंपल है ये।